हरियाणा के चुनावों को भारतीय जनता पार्टी की जीत कम और कांग्रेस पार्टी की हार ज्यादा मानूंगा। अभी इस फेज में दो राज्यों में चुनाव हुए, एक जम्मू कश्मीर के राज्य में जहां गठबंधन का चुनाव लड़ा गया, जहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आकर चुनाव लड़ा, वहां परिणाम जो आए वो भिन्न है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी और गठबंधन जीता। हरियाणा में दुर्भाग्यपूर्ण गठबंधन नहीं बन पाया और यहाँ पर नतीजे भिन्न हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं इन चुनावों को, इस नतीजे को खास तौर पे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया, अधिकांश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई सरकार, एक नए राजनीतिक दल की या एक नए राजनीतिक फॉर्मेशन की सरकार लाने के लिए वोट दिया, जिसमें लगभग 60 से अधिक% वोट बदलाव को पड़ा। लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के चलते या गणित के चलते भाजपा का बहुमत से आंकड़े से कहीं अधिक सीटें आईं और उनकी अपनी सरकार बनी। इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर हम एकजुट होकर शायद चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग हो सकते थे। लेकिन जो दो राज्यों के परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हरियाणा में लोकतंत्र हार गया, तंत्र जीत गया, ईवीएम पर भी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के बयान पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं अपना जो एक विश्लेषण है चुनावों का वो आपसे शेयर कर सकता हूं, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई राज्य हैं इस देश में जहां पर कांग्रेस सीधी फाइट में अगर भाजपा को नहीं हरा पा रही है तो वहां पे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अगर सहयोग और साथ मिले और गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ा जाए तो परिणाम जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी सीधी फाइट थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा और चाहकर भी गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं बना पाया। जैसे कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आकर चुनाव लड़ें, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अपने विधायक भी थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिला जिससे वो जीत की कगार तक, जीत की फिनिश लाइन तक पहुंच पाए। तो कुछ जो राज्य जहां पर अपने बलबूते कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही है, वहां पे अगर इंडिया गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, जो घटक दल हैं, उनका साथ लिया जाए तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। नतीजे